अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम कराची टुडे में आपको खुशामदीद और मैं हूँ बिलाल खान। सबसे पहले बात करेंगे आज तजावुजात के हवाले से, क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से ऑपरेशन जारी है तजावुजात के हवाले से और तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। न सिर्फ ये कहना सही होगा कि पहले सोचना भी मुहाल होता था कि ये तमाम चीज़ें, तमाम इंक्रोचमेंट खत्म होंगी, लेकिन अब ये तमाम चीज़ें यकीनी बनाई जा रही है। ये कब हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, चीफ जस्टिस मामले के बीच में आए, उन्होंने कहा कि 15 रोज के अंदर ये तमाम इंक्रोचमेंट शहर से खत्म की जाए, उसके बाद केएमसी के बिल्डोजर हरकत में आते हैं और तमाम तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। सबसे पहले निशाना बनाया गया तारीखी इमारत इंप्रेस मार्केट के अतराफ, जो इंक्रोचमेंट थी उसको खत्म किया गया, बड़ा अच्छा इकदाम था। अब जो है चिड़ियाघर की तरफ ये रवा दवा है ये ऑपरेशन, लेकिन इसके साथ साथ पार्किंग प्लाजा का भी दौरा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसको भी फंक्शनलाइज किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ केएमसी ने यह भी किया कि जो रेजिडेंशियल प्लॉट थे वो कमर्शियली यूज हो रहे थे तो उसके खात्मे के लिए भी इन्होंने ऑपरेशन किए हैं। जबकि जो साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं दुकानों के आगे उनको भी हटाया जा रहा है जो तजावुजात के जुमरे में आते हैं। मेयर कराची ने दौरा किया और मेयर कराची ये कहते हैं कि दुकानदारों का हमें भी दुख है जिनके चूल्हे बुझे, लेकिन हम उनको मुतबादिल जगह देंगे। अब ये सिर्फ जबानी जमा खर्च है या वाकई जगह दी जाएगी? क्योंकि मामला ऐसा था कि जब फैसला सुनाया गया तो दुकानदारों की जानिब से यह कहा गया कि हमसे तो किराए वसूल किए जाते थे, केएमसी इस मद में हमसे किराए लेता था, स्लिप उनके पास मौजूद है और ये किराए बताए जा रहे हैं कि दिसंबर तक की डेट थी, लेकिन उससे पहले ये फैसला किया गया। तो जो मुजाहिरीन है, जो एहतजाज करने वाले, वो सिर्फ एक मुतालबा कर रहे हैं कि आप हमें पहले मुतबादिल जगह देते, वहां पे कहते कि आप अपना सामान शिफ्ट करें, अपनी दुकानों को वहां पर लेकर जाएं, मुंतकिल करें, उसके बाद हम खुशी खुशी ये तमाम दुकानें छोड़ देते। लेकिन केएमसी ये कहती है कि हमने 12 इनको नोटिस दिए, 12 हमने इनसे जो है रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई इन्होंने सुनवाई नहीं की। इसी हवाले से बात करेंगे इस वक्त नुमाइंदा K21 न्यूज शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद है, काफी अरसे से हमें फॉलोअप दे रहे हैं इस स्टोरी का। शायद बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शायद ये बताएं कि ये ऑपरेशन जो आगे बढ़ चुका है और ये भी खबरें मौसूल हुई कि पार्किंग प्लाजा की जब तजवीज दी गई कि वहां पे क्यों नहीं मुंतकिल किया, क्योंकि वो काफी अरसे से डीफंक्शनलाइज है, तो मेयर कराची का क्या जवाब था इस पर? जी बहुत शुक्रिया बिलाल, जैसे कि आपने कहा कि पार्किंग प्लाजा को डीफंक्शनलाइज किया गया है और आप ही के प्रोग्राम के अंदर जो कराची टुडे में मैंने इस बात का इंकशाफ किया था कि ये जो ऑपरेशन किया गया था, जो मुंह उठा के ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, 2000 से जायद दुकानें मिसमार कर दी गई, इनको नोटिस भी दिए गए, इसके ऊपर एक फॉलोअप लेना चाहिए था, इनकी दुकानें वहां शिफ्ट कर देते, पूरा पार्किंग प्लाजा खाली पड़ा हुआ है खंडरात बने हुए। आज मेयर कराची इसको होश आ गया और वो पार्किंग प्लाजा का दौरा करने चले गए, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, 2000 से जायद घराने हैं जो बेघर हो चुके हैं। आपने सही कहा कि किराया भी वसूल करती थी केएमसी, तो केएमसी को चाहिए कि इनका रोजगार फराम करके किया जाए, दोबारा इनका रोजगार तो इनको जो है तो इनको खोला जाए, इनकी दुकानें खोली जाए, क्योंकि बड़ी मार्केटें थी, इसके अंदर चाय की पत्ती की दुकानें थी, होलसेल की बड़ी, खुश मेवाजात की मार्केट थी, परिंदा मार्केट थी जो गुज़िश्ता 50 साल से वहां पर कायम थी। शाहिद मुजाहिरीन तो ये कह रहे हैं कि हमें पहले बताया जाता, नोटिस दिया जाता, क्योंकि हमने तो केएमसी से स्लिप ले रखी थी, हम तो किराया देते थे, तो जब किराया देते थे तो हमने करोड़ों रुपया वहां पर लगाया अपनी दुकानों पर, फिर खत्म कर देना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा। बात यह है कि अब ये बातें पुरानी हो गई कि किराया लिया जाता था और ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, कोई वहां पर मुश्तकिल मुजाहिरीन नहीं है, किसी ने वहां मुजाहरा नहीं किया, सब इस वक्त इत्मीनान के साथ बैठे हुए, उनकी दुकानें टूट चुकी है। इंप्रेस मार्केट के तरफ जो काम होना था बड़ा, वो काम हो चुका, अब मलबा भी उठ चुका है, वहां सफाई सुथराई का काम किया जा रहा है, तेजी में आराइश का काम किया जा रहा है, कि शहर भर के अंदर पूरा जो तजावजा के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। अभी भी इस वक्त रात को जो है वो बादराबाद के इलाके में, यासीनाबाद के इलाके में, मोहम्मद अली सोसाइटी के इलाके में, जहाँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, जो नामी गिरामी इंटरनेशनल चीन रेस्टोरेंट थी, उनको तक तोड़ दिया गया। तो ये तजावजात जो इंप्रेस मार्केट के इतराब बनी हुई थी, ये तो किसी कीमती में नहीं आती। अच्छा, मेयर कराची ने एक बात की और निशानदेही की ट्रैफिक के हवाले से, कि ट्रैफिक भी कराची का बहुत बड़ा मसला है, तो इसको भी कंट्रोल करेंगे, पार्किंग के ऊपर भी बात की गई, जरा उसको भी ब्रीफ कीजिएगा कि क्या बातें की गई है उसमें। देखिए बिलाल, बात यह है कि मेयर कराची जो है उनके अंडर में नहीं आता ये ट्रैफिक के मामला, वो DIG ट्रैफिक इसको देखेंगे। शहर के अंदर सबसे बड़ा जो मसला था वो तजावजात थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहता था। अब शहर में आप इंप्रेस मार्केट अगर जाना चाहें, या इमेजिना रोड जाना चाहें, या तारिक रोड जाना चाहें,
तो आप इजीली ड्राइव करके वहां पहुंच सकते हैं। फुटपाथें क्लियर हो चुकी हैं, फुटपाथों को वाकई बड़ा अच्छा इकदाम है और शहरी इस पे खुश भी नजर आए, जबकि ताजिर बिरादरी जो है वो परेशान थी। कल भी हमें हमारे प्रोग्राम में उन्होंने ये बातें कही, लेकिन अच्छा ये बताएं कि जो ट्रैफिक के मामलात हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कोई हिकमत अमली बनाई गई है? देखिए बिलाल, मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि ट्रैफिक के मामला जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस का काम है। सबसे बड़ा जो मामला था, जो कई सालों से कराची में गंद थी, शहर के अंदर बेहंगम ट्रैफिक हो चुका था, उसकी असल वजह जो थी वो तजावजात थी। वो तजावजात का खात्मा होने जा रहा है। लोगों ने, शहरियों ने इस एग्जाम को खुशाइन कहा है। उन्होंने कहा है चलें, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही। एग्जाम हो रहे हैं, बट दुकानों के बाहर बड़े बड़े बेहंगम किस्म के बोर्ड्स लगे हुए थे, वो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत उतारना शुरू कर दिए। रात रात भर ऑपरेशन होता है। दूसरी जानेब बिलाल, आपने कहा कि शहर में सबसे बड़ा जो मसला था वो रिहायशी प्लॉट के ऊपर कमर्शियल काम हो रहा था, यानी कि लोगों ने अपने घरों में बैंगलोर के अंदर स्कूल खोल रखे थे, ब्यूटी पार्लर्स खोल रखे थे, रिहायशी प्लॉट के ऊपर रेस्टोरेंट खुले हुए थे, रिहायशी प्लॉट्स के ऊपर शादी हॉल खुले हुए थे। उनको भी कमर्शलाइज होना चाहिए ताकि शहर में रेवेन्यू का इजाफा हो और कराची एक खूबसूरत तरीन शहरों का में शामिल हो। जी ठीक है, कमर्शलाइज होना चाहिए, लेकिन ये कमर्शलाइज टैक्स होता है, लेकिन ये तो खुफिया तौर पर काम किया जा रहा था ना, लेकिन कहीं खुफिया जगहों पे तो नहीं बने थे? सड़कों पर ये प्लाजा बनाए गए, सड़कों पर ये रेस्टोरेंट बनाए गए, इनके पीछे किसकी पुष्पनाई के पीछे काम हो रहा था, उनके हवाले से कोई एहतसाब नहीं होगा? बिल्कुल, देखिए एहतसाब करने वाली नैप का इदारा है, एंटी करप्शन का इदारा है, उन्होंने काम करना है। वो तहकीकात करेंगे कि क्यों, किसके दौर में किस अफसर ने ये काम किया। वो तहकीकात मेरे ख्याल से नैप कर रही है, एंटी करप्शन अपना काम कर रही है, दूसरे इदारे अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो मैं सबसे अच्छी बात बताऊं, शहर अच्छाई की तरफ जा रहा है, शहर में सफाई सुथराई हो रही है, लोग अपनी मदद आपके तहत जो है अपनी दुकानों को अपनी लिमिट में रख रहे हैं। पहले कोई मेजरमेंट के बगैर जो है वो दुकानें उन्होंने फुटपाथों पे कायम कर रखी थी, अब वो ठीक है। वाकई अच्छा इकदाम है, 10 फीट की दुकान पर 10 फीट आगे तजावजात करना वाकई गैर कानूनी है, इसको खत्म किया जा रहा है, बड़ा अच्छा ये इकदाम है। लेकिन शाहिद, काफी अरसे से अगर माजी उठा के देखें, तारीख देखें, तो ऐसे ऑपरेशन बारहा किए गए लेकिन फिर तजावजात कायम हो जाती है, तो इस बार ये हम समझे कि वाकई आखिरी ऑपरेशन है या फिर से यही चीज रिवायत जो है वो दोहराई जाएगी? जी हाँ बिल्कुल, देखें इस हवाले से मेरी मेयर कराची से भी गुफ्तगू हुई है और जितनी भी शहर के अंदर जो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले इदारे हैं उनसे भी गुफ्तगू होती रही है। उनका यही कहना है कि बेहतर हिकमत अमली होनी चाहिए, हर हफ्ते जो है एक सर्वे होना चाहिए और इस सर्वे की रिपोर्ट होनी चाहिए कि जहाँ ऑपरेशन किया गया था पिछले हफ्ते वहाँ दोबारा कोई तजावजात तो कायम नहीं हो गया, तो ये ऑपरेशन कामयाब होगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि कराची में अगले महीने आने वाली जो एक्सपो 2018 है उस हवाले से, क्योंकि दुनिया भर से जो है वो सफीर आ रहे हैं, डेलीगेशन आ रहे हैं, उस हवाले से भी ये काम किया जा रहा है, शहर के अंदर सफाई सुथराएगा ताकि आने वाले जो मेहमान हैं, जो दोस्त हैं, वो कराची को देख के खुश हों कि भाई कराची एक अच्छा शहर बन चुका है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इस हवाले से भी कराची में सफाई सुथराई का काम किया जा रहा है। अच्छा, सियासत हर जगह होती है, बयानबाजी भी होती है, और जैसा कि हमने माजी में भी देखा अभी भी यही मामला है कि सिंध हुकूमत एक तरफ होती है, बल्दियाती हुकूमत एक तरफ होती है, मेयर और वजीर बल्दियात के दरमियान भी नोक झोंक चलती रहती है, तो वजीर बल्दियात भी मैदान में कूदे और वो ये कह रहे हैं कि ये तमाम गुस्सा निकाला जा रहा है मेयर कराची की जानिब से और ये तजावजात की आड़ में जो दुकानें लीज पर थी उनको भी गिराया जा रहा है, हकीकत क्या है इसमें, जरा ये ब्रीफ कीजिएगा। नहीं बिलाल, देखिए ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है, बड़ी बात है कि इस दफा वजीर बल्दियात जो है वो इन सब मामलात के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, खुद सर्वे करते हैं जहाँ जहाँ ऑपरेशन हो रहा है और एक पेज के ऊपर मेयर कराची वजीर बल्दियात बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, बातें होती हैं, सियासी बातें भी होती हैं। अच्छा, पीटीआई के खुर्रम शेर जमान ने भी बड़ा गुस्सा निकाला है, ये भी ऑन द रिकॉर्ड बात है? देखिए गुस्सा निकाला तो है लेकिन वो काम अच्छा हुआ है ना, जो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है वो कोई गलत काम नहीं किया गया है, वो गैर कानूनी तौर के ऊपर तजावजात करके बैठे हुए थे, पार्क की जगह पर बैठे हुए थे, उनको नोटिसेस जारी हो चुके थे लेकिन वो उस नोटिसेस को कोई अहमियत नहीं ले रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकाम थे कि 15 दिन के अंदर शहर साफ किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे, जिसका अगर खुर्रम शेर जमान अगर इस बात को कहते हैं तो वो तोहीन अदालत के जुमरे में आता है, क्योंकि सवाल तमाम इदारे कराची के अंदर जो DMC हो जाए, KMC हो जाए, KDA हो जाए, एंटी इंक्रोचमेंट महकमा हो जाए, ये तमाम महकमे क्योंकि हम रोजाना कवर करते हैं, ऑपरेशन रोड पे खड़े होते हैं, उन इदारों के साथ ऑपरेशन कर रहे होते हैं, वो बिला तफर्रो किसी को नहीं बख्श रहे, जो गैर कानूनी तजावजात कायम की गई हुई है उसको जा रहे हैं।
ठीक है शाहिद साहब, तो ये भी बताइएगा जो ताजिर बिरादरी है ये इससे जो है उनको भी नुकसान पहुंचाए, लेकिन अदालत का फैसला हतमी फैसला होता है, अदालत के फैसले के आगे किसी की नहीं चलती है, तो ये जो मुतालबात कर रहे हैं चाहे जायज हो चाहे नाजायज हो, इस हवाले से जो है किसी किस्म की यकीन दहानी कराई गई, कोई बात हुई है, कोई स्टेटमेंट दिया गया है हुकूमत की तरफ से? गालिबन राबता जो है वो मुनकता हो चुका है, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं कभी कभार, तो शायद हमें यही बता रहे थे कि मामलात तय पा चुके हैं, ऑपरेशन हो चुका, ऑपरेशन अभी आगे जारी है, दूसरा फेज आगे बढ़ चुका है, क्योंकि वो ऑपरेशन एम्प्रेस मार्केट से अब आगे बढ़ता हुआ चिड़ियाघर की तरफ जा रहा है, पार्किंग प्लाजा को फंक्शनलाइज करने की बात की गई वसीम अख्तर की जानिब से, और ये भी कहा गया कि ट्रैफिक जो बड़ा मसला है वो तजावुजात की वजह से होता था, क्योंकि तजावुजात सड़कों पर आ जाती हैं और फिर ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको भी खत्म किया गया, जबकि ये कहा गया कि उस मार्केट के अतराफ में जो जनरेटर्स रखे हुए हैं फुटपाथ के ऊपर, तो यही कहा गया कि 3 दिन का टाइम दे रहे हैं आपको, यहां से ये सामान हटा दें वरना फिर कार्रवाई होगी, तो फिर आपकी चीखें निकलेंगी, जबकि ताजिर बिरादरी इस पर यह कह रही है कि हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, 20-25 हजार के जो हमने साइन बोर्ड लगाए हुए थे अपनी दुकानों के ऊपर उनको भी हटा दिया गया, किसी किस्म का नोटिस नहीं दिया गया, जबकि यह भी कहा गया कि जो इंक्रोचमेंट के जुमरे में दुकानें आती हैं वैसे गैर कानूनी थी ये, तो इसलिए हटा दिया, केएमसी की जानिब से ये जुमला कहा गया, जबकि ताजिर बिरादरी कह रही है कि हमें बताया जाता तो हम खुद ही उतार लेते, जैसे तारिक रोड के सदर के तारिक रोड के और सदर के जो इलाके हैं वहां पर ये तमाम दुकानें मौजूद थी और 10 फिट की दुकान पे 10 फिट आगे जो तजावुजात थी वाकई गैर कानूनी थी, अच्छा इकदाम है, शहरी से खुश हैं कि अब शहर की रौनकें बहाल हो रही हैं, जैसे एम्प्रेस मार्केट है आप वहां पे अब दौरा करें तो आपको हुलियत तब्दील नजर आएगा, वाकई अच्छा ये एक फैसला था सुप्रीम कोर्ट का और जिसके ऊपर अमल किया गया, अब फैसला हो चुका था, अब नतीजा आपके सामने है, अब ये देखना है कि चिड़ियाघर की जो 400 दुकानें वो खत्म होंगी या नहीं, और जैसा कि मैं 3 दिन से बारह ये कह रहा हूं कि जो ट्रेलर दिखाया गया जो फिल्म चल रही है इसका क्लाइमेक्स वाकई हम तक पहुंचेगा या फिर ये फिल्म बीच में ही रुक जाएगी, जैसे माजी में भी काफी इकदाम किए गए लेकिन फिर तजावुजात कायम हो जाती थी, अब सवाल यहां पर ये पैदा होता है कि ये तजावुजात का खात्मा करने के बाद उसकी कंट्रोलिंग की जाएगी या नहीं, इसी हवाले से भी हमने आपसे बात की, इस हवाले से इस प्रोग्राम में बात की, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद। कराची टुडे में एक बार फिर खुशामदीद, और अफसोसनाक अभी खबर हमें मौसूल हुई है, मलीर के इलाके कायदाबाद की तरफ कोई धमाका सुना गया है, और ज़रा ये भी बताते हैं कि दो अफराद जाबाक हुए हैं जबकि 8 जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है, अब ये धमाका क्या था कैसे हुआ है और इस वक्त टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है, तमाम तफसीलात जानेंगे, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ K21 न्यूज़ ज़ैगम रिज़वी, ज़ैगम बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, ज़ैगम ये बताइएगा अफसोसनाक वाक़िया कायदाबाद के इलाके का आ रहा है ये धमाका और दो अफराद जाबाक हो चुके हैं, क्या हकाइक हैं? जी बिलाल, एक अफसोसनाक खबर है, कराची पुरअमन माहौल पे पूरा यामियाजा गुजरे, तमाम जो पिछले कई दौर हैं एक सुकून के साथ गुजरे अमन के, लेकिन इस वक्त बिल्कुल ऐन जब जो है वो रबीउल अव्वल का महीना है और रबीउल अव्वल की आज जो है वो तैयारियां हैं पूरे शहर भर में, एक क्रैकर धमाका हुआ है और उसमें इब्तदाई तौर पर जो हमारी अस्पताल जराए ने इस वक्त जो हमें ताज़ा तरीन अपडेट किया है उसमें दो लोगों की जो है वो हलाकत सामने आई है, जबकि 7 अफराद को जो सीमी जमाली हैं डायरेक्टर जिना हॉस्पिटल वो कहती हैं कि 7 अफराद को लाया गया था, 5 की हालत तश्वीशनाक है जबकि 2 अफराद जख्मों की ताप न लाते हुए जा बाहक हो गए। ठीक है, बताएं कि इनकी शनाख्त कर ली गई है? देखिए अभी इब्तदाई तौर पे जो जख्मी है उनकी हालत बहुत कंडीशन खराब है जिनका जो है वो इलाज चल रहा है, जबकि जो हलाक अफराद है वो उसके ठेले के अंदर डिवाइस रखी गई थी उस पर धमाका हुआ है, इब्तदाई तौर पर अभी उन दो जाबहक अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी, इस वक्त मैं आपको बताऊँ स्पॉट के ऊपर एडिशनल IG कराची
डॉक्टर अमीर शेख पहुंच गए हैं, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि इब्तदाई तौर पर ही धमाका किसी डिवाइस या क्रैकर का ये धमाका लगता है। इब्तदाई तौर पर कुछ भी कहना इस वक्त जो है वो कबल इस वक्त होगा कि धमाका किस नौयत का है, क्या किया गया, सात अफराद इसमें। ज़ैगम बड़ी तशवीशनाक बात है क्योंकि कल ही जो है वो कॉन्टीजेंसी प्लान बनाया गया, रेंजर्स का भी इजलास हुआ, पुलिस का भी इजलास हुआ और डिप्टी कमिश्नर हाउस में भी बहुत सारे इजलास हुए, लेकिन अभी एकदम से ये खबर आ जाना, क्या ये हुकूमती इदारों की नाहली कहेंगे या फिर ये किसी किस्म की गफलत बरती गई है? जी बिलाल, गफलत देखिए इस वक्त ये ठेलों के अंदर जो एक कायदाबाद का जो ब्रिज है वहाँ पे गर्म कपड़े और कुछ ठेले वगैरह खड़े होते थे, उसके ठेले के नीचे ये डिवाइस जो है वो फिट की गई या कोई क्रैकर था या कुछ और, अभी इसकी तो तहकीकात हो रही है। बीडी का अमला यहाँ पे मौजूद है, किस साख का बम था इसको जो है वो बीडी का अमला यहाँ पे मौजूद है जो चेक कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मतलब हालात तो कराची के आपके सामने है, पूरा मुहर्रम गुजरा कराची और पुलिस ने और बिल्कुल पूरा मुहर्रम गुजर गया, कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, रबीउल अव्वल का वक्त है, चीजें गुजर रही थी। अब इब्तदाई तौर पर फौरी तौर पर इसको दहशतगर्दी या कोई हादसा डिक्लेयर करना जो है वो मुश्किल होगा। यहाँ पे मौजूद हैं पुलिस के हाई ऑफिशियल, उनसे भी हमारी बात हुई, एसएसपी मलीर जो है वो धमाके के फौरी बाद यहाँ मौजूद थे, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, लाइट चली गई थी धमाके की शिद्दत से, लाइट को बहाल कराने का अमल किया जा रहा है, उसके अलावा चेक किया जा रहा है कि ये धमाका जो था आखिर किस चीज का धमाका था, ताकि उसके बाद ही ये बात सामने आ सकेगी कि प्लांटेड कोई दहशतगर्दी का वाकया है या कोई और चीज उस ठेले के नीचे रखी हुई थी जो फटी है। इस वक्त इसको कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। ठीक है, बहुत जो है वो अभी इब्तदाई मराइल में ये तहकीकात जारी है और यही कहना है कि कबल इस वक्त पुलिस की जानिब से क्या किया गया है, खास तौर पे एडिशनल आईजी अमीर अहमद शेख की जानिब से क्या कहा गया है कि वहाँ पर हाई अलर्ट नहीं थी सिक्योरिटी, क्योंकि जैसे कि कल ही कहा गया था कि तमाम इलाकों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट होगी क्योंकि महाफिल नात और जुलूस निकाले जा रहे हैं, मुहर्रम में तो बहुत अच्छा निज़ाम रहा लेकिन रबीउल अव्वल में ये वाकया हो जाता है, क्या स्टेटमेंट दिया उन्होंने इस हवाले से? बिलाल, ये बिल्कुल शारे फैसल से थोड़ा सा आगे, जब जो मेन रोड है उसके ऊपर कुछ पथाड़े खड़े होते हैं, उसके नीचे ये धमाका हुआ है, करीबी होटल और दीगर जो है वो इमारतें मौजूद थी। ये एक ऐसा एरिया नहीं है कि जहाँ पे किसी किस्म का जो है वो मजहबी जो तकरीबात हों वो मुनक्कद हो रही हों करीब में, ऐसा कुछ नहीं। मेन रोड के ऊपर ठेले लगे हुए थे जहाँ पे बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक गर्म कपड़े और फ्रूट्स के ठेले लगे हुए थे, उसके नीचे जो है ये डिवाइस जिसको अभी इब्तदाई तौर पर पुलिस की जानिब से जो बात हमारे सामने आई है उनका यही कहना है, इब्तदाई तौर पर हम तहकीक कर रहे हैं कि आया ये किसी डिवाइस से इसको ब्लास्ट। अच्छा, नोटिस भी लिया गया है वजीर आला की जानिब से इस वाकये का? जी, वजीर आला सिंह ने भी फौरी तौर पर इस वाकये का नोटिस लिया, उसके अलावा गवर्नर सिंह डॉक्टर इमरान इस्माइल ने भी इसका फौरी तौर पर नोटिस लिया, आईजी साहब से मुकम्मल तहकीकात करके इसकी जो है वो रिपोर्ट तलब की है फौरी तौर पर, जबकि हॉस्पिटल में जो लोग जिनको लाया गया है उनके लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात का भी हुक्म दिया गया है और हॉस्पिटल के अंदर बताया गया है। अच्छा, किस हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया इन लोगों को? देखिए, जो सात अफराद थे जिनमें से दो अफराद जहाँ बहाक हो गए हैं, वो सात अफराद को फौरी तौर पर जिना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जिसमें से जो डॉक्टर सीमी जमाली है उनके मुतालिक जो बाकी पांच अफराद हैं उनकी हालत भी इस वक्त तशवीशनाक है, जबकि दो अफराद जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए हॉस्पिटल दौरान इलाज जा बहाक हो गए। उसके अलावा कुछ छोटे जख्मियों की भी जो कम नोयत के जख्मी थे उनकी भी इतलात आ रही है, लेकिन वो करीबी हॉस्पिटल पहुंचे। जिना हॉस्पिटल इस वक्त जो अफराद लाए गए हैं वो सात अफराद यहाँ पे जख्मी लाए गए थे जिनमें से दो अफराद जा बहाक हो गए। ठीक है जैसा, अब ये मामला बड़ा तशवीशनाक है, अब किसी किस्म की नई हिकमत अमली बनाई जाएगी, सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया जाएगा और सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखी जाएगी, क्या किया जाएगा, किसी किस्म का इंदिया दिया गया है? देखिए, जब तक इस वाकये की तहकीकात नहीं होती, सामने नहीं आता कि आया ये कोई हादसा था, ये कोई ऐसी चीज थी जो फटी हो, पहले भी इस तरह के कई वाकयात सामने आ चुके हैं कि किसी जो है वो कबाड़ की दुकान पे कुछ ऐसी चीजें रखी होती हैं, सिलेंडर फट जाता है, धमाका होता है। जब तक इसका तायुन नहीं किया जाता आया ये दहशतगर्दी का वाकया है या कोई जो है वो हादसा पेश आया है किसी किस्म का, ये कहना जो है वो एक बात होगी यकीनन, लेकिन जब इस तरह के मामला सामने आ रहे हों, धमाका अगर ये डिक्लेयर होता है कि हाँ जी कोई बम था, दहशतगर्दी की कोई वारदात है, तो इसके बाद यकीनन जो है वो तमाम चीज़ों पे जो ईद मिलादुल नबी के मौके पे जो कंटिजेंसी प्लान बनाया गया है, सिक्योरिटी प्लान बनाया गया, कल शहर में दो चुप तादीय के जुलूस भी हैं, उसके लिए भी जो है पुलिस की दिन भर की हिकमत अमली सामने आई है, उन्होंने अपना सिक्योरिटी प्लान भी दिया है, यकीनन उसके अंदर वो कुछ रिव्यू करेंगे, लेकिन इस वक्त ये पहले इस बात का तायुन जरूरी है
कि आया ये दहशतगर्दी का कोई वाकया था, यही एक हादसा हुआ है। ठीक है, इस वक्त खौफ की कैफियत भी तारी हो गई। हमारे साथ ज़ैगम रिज़वी, ब्यूरो चीफ K21 न्यूज़ लाइन पर मौजूद थे। सारे तमाम सूरत हाल के कायदाबाद का इलाका है, वहाँ पर धमाका रिपोर्ट किया गया। अभी इब्तदाई मराहिल में तफ्तीश, BDS टीम ने भी ये कहा कि अभी बहुत जल्दी जो है ये कहना होगा कि क्या मामला था, क्या नहीं था, किस तरह ये धमाका हुआ, किस नौयत का था। अभी रिपोर्ट नहीं जारी की गई है क्योंकि अभी बहुत कम वक्त हुआ है, अभी गुज़िश्ता ही एक चंद मिनटों पहले ही जो है ये धमाका रिपोर्ट किया गया है। लेकिन इस धमाके के अंदर दो अफराद जान बहक हुए हैं, जबकि 8 अफराद ज़राए के मुताबिक हमें मालूम हुआ है कि वो जख्मी हैं, जबकि इन लोगों को लाशों को और जख्मियों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि वहाँ के डायरेक्टर जनरल सीमी जमाली ने भी ये कहा कि तश्वीशनाक हालत में जो जख्मी है अभी शनाख्त नहीं हो सकती क्योंकि उनकी हालत काफ़ी तश्वीशनाक बताई जा रही है। जबकि अमीर अहमद शेख जो कि एडिशनल IG कराची हैं, उन्होंने वहाँ दौरा किया है कायदाबाद का और ये कह रहे हैं कि इस वक्त तहकीकात जारी हैं, हाई अलर्ट कर दिया गया है तमाम शहर को और अब नया कॉन्टीजेंसी प्लान बनाया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या हिकमत अमली होती है, क्योंकि कल ही इजलास हुए, रेंजर्स का इजलास हुआ, पुलिस का इजलास हुआ, हिकमत अमली बनाई गई कि इतने अहलकार तैनात किए जाएंगे, सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी, स्नैप चेकिंग, पिकटिंग और तमाम चीज़ों को जो है वो मरबूत अंदाज में यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन आज ये वाकया रिपोर्ट हुआ, वाकई तश्वीशनाक ये वाकया, क्योंकि वक्त ऐसा है, रबीउल अव्वल का महीना है और ये इस महीने में जुलूस निकाले जाते हैं, नात की महाफिलें सजाई जाती हैं, तो वाकई लोगों का जो है हुजूम जगह जगह जमा होता है। अब ये वाकई बड़ा एक अफसोसनाक वाकया, तश्वीशनाक वाकया है क्योंकि मुहर्रम पूरा गुजर गया, कोई ऐसा वाकया अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन इस मौके पर ये वाकया रिपोर्ट होना वाकई बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। अब ये बात रिपोर्ट आने के बाद ही वाजे होगी कि ये मामला था कि आया कोई सिलेंडर फट गया था, कोई और बात थी, या वाकई ये दहशतगर्दी के जुमरे में चीज आती है, तो ये तमाम चीजें रिपोर्ट के बाद ही पता चलेंगी। और पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन कराची टुडे में, और पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की जाएगी। अब पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता 11 सालों से सिंध में हुकूमत है और राज कायम है, लेकिन बहुत से सवालात यहां पर उठते हैं कि 11 सालों में सिंध का क्या हुलिया तब्दील किया गया या नहीं, इस वक्त सिंध के हालात क्या हैं, अंदरून सिंध के क्या हालात हैं, मामलात किस तरह चल रहे हैं, करप्शन की क्या इस वक्त किस नौयत की करप्शन की जा रही है। काफ़ी वजीर भी जो है वो इस वक्त पकड़े जा चुके हैं इस हवाले से, और चल रहे हैं मामलात इस वक्त। सिंध असम्बली के हवाले से भी बात करें कि सिंध असम्बली के अंदर जो है वो काफ़ी अपोजिशन ने तनकीद का निशाना बनाया, पीपल्स पार्टी को ये कहा गया कि आपने करप्शन मचाई हुई है। थर के हालात देखें, मुख्तलिफ मामला देखें, जबकि इस वक्त हमारे पास जो ज़राए बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि PTI ने खासा कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है इस वक्त पीपल्स पार्टी को, और ये कहा है कि आपने 11 सालों में क्या किया, 4 दफ़ा जो है आपने वफाक में हुकूमत ली, 5 दफ़ा जो है वो आपने सिंध में हुकूमत ली, उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि PTI के पास किसी किस्म का प्लान नहीं है, तो आपने क्या किया 11 सालों में। इसी तमाम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से मुंतखब MP हैं डॉक्टर सौराब सुर्खी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये बताएं कि पीपल्स पार्टी की 11 साल कारकर्दगी, PTI कह रही है कि इस वक्त जो है वो क्या आपने किया 11 सालों में, आप कह रहे हैं कि PTI के पास कोई प्लान नहीं है किसी किस्म का, तो आप पहले अपने 11 सालों के हवाले से बताएं कि क्या क्या किया गया है। मैं तो ये कह सकता हूं कि आप ये खैबर पख्तूनख्वा के बारे में इनसे पूछें कि इन 5 साल के अंदर, जो पिछले 5 साल में एक यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई, हमने सिंध में कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई हैं इन 10 साल के अंदर, पहले 2008 से लेकर 2013 तक हमने कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, और यहाँ पर हमने कितना हॉस्पिटल बनाए, कोई एक बताएं कि इन्होंने कोई इतना अच्छा कोई हॉस्पिटल बनाया है, कोई एक अचीवमेंट बताएं। बाकी ये है कि ये सिर्फ तनकीद करते हैं और उनकी कोई प्रोग्रेस इतनी अच्छी नहीं है, हालात उनके खैबर पख्तूनख्वा के भी आते आते सामने आ रहे हैं। सर थर की हालत को डिस्कस कर लें, थर के क्या मामलाते हैं, थर में बच्चे किस तरह मर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं किया गया, RO प्लांट्स लगाए गए, RO प्लांट्स के हवाले से कहा जा रहा था कि बहुत अच्छा इकदाम किया गया, लेकिन जब हमने मुआयना किया वहां जाके तो वो RO प्लांट तो काम ही नहीं कर रहे। RO प्लांट काम इसलिए नहीं कर रहे हैं, RO प्लांट का जो सिलसिला है मैं आपको बताऊं, RO प्लांट 2 साल के लिए वहां पर उनके मुलाजमीन और मेंटेनेंस गवर्नमेंट ने
उनका पूरा जिम्मेवारी ली थी। उसके बाद क्या हुआ है कि उसको शायद मेरे ख्याल में नैब ने कोई नोटिस वगैरह लिया है तो उसपे काम इसलिए थोड़ा तो हुकूमत तो आपकी थी ना, आप अमला प्रोवाइड कर देते अगर वहाँ पे ये तमाम मामलात थे, फुकदान था इन चीजों का। नहीं मैं एक बात बताऊं ना, ये एक इशू बनाया हुआ है थर 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 को लेके हुए एक पूरा इशू बनाया हुआ है वहां पर। जाहिर है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं कि पहले आइडियल पोजीशन थी, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है थर को छोड़े लाड़काना चलते, लाड़काना तो भुट्टो से मंसूब है ना, वहां का उलिया बदल देते भाई। जो सूरत हाल होती है उसको मद्देनजर रखते हुए हम हर साल वहां पर जो है वो उनको लोगों को गंदम वगैरह जो और चीजें हैं वो मुहैया कर रहे हैं कि उसमें आपका बेहतरी आ रही है और हर साल बेहतरी आती जा रही है। ये पुराना मसला था, ये अब आस्ते आस्ते बेहतर हो रहा है, अब पहले वहां पर आने जाने के लिए। तो सर ये जस्टिफाई करें ना इमरान इस्माइल साहब को, आप कह रहे हैं कि उनके बयानात पर कह रहे हैं कि ये कोई प्लान नहीं है इनके पास किसी किस्म का कि हुकूमत कैसे चलेगी। आपका प्लान क्या था 11 सालों का, क्या नजर आ रहा है ये भी तो बताएं ना। 11 सालों का हमारा प्लान ये, कई अरब लगाने का ये दावा किया गया कि सिंध में कितने अरब रुपए लगाए गए वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नजर आ रहे हैं सर, गिनवा दें कहां 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 नजर आ रहे हैं। एनआईसीबीडी को देख लें आप, एसआईयूटी को देख लें आप, इंडस हॉस्पिटल को हम सपोर्ट कर रहे हैं उनको देख लें। अगर हमारी कारकर्दगी खराब होती तो पूरे पाकिस्तान के लोग यहां आकर कराची में इलाज क्यों करवाते, आप पूरे पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं। सखर में हमने एनआईसीबीडी इतना तारीखी बनाया है, आप जाकर देखें वो बिल्कुल न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल है, एक भी आप पूरे पाकिस्तान में सिंध का अगर दौरा करें तो अंदरूनी मामला देख के यही लगता है कि वाकई न्यूयॉर्क का माहौल है यहाँ पर। सही कह रहे हैं आप, ये है कि जो हमने काम किए हैं वो काम तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमने यहाँ पर लॉ यूनिवर्सिटी पहले हिस्ट्री में पाकिस्तान की कहीं पे भी नहीं थी सर। खुदा को माने न्यूयॉर्क से आप कंपेयर कर रहे हैं अंदरूनी सिंध के मामलात को, क्या मेरे सामने मामलात नहीं है कि अंदरूनी सिंध में क्या मामला चल रहे हैं? हमारे बहुत ज्यादा बेहतर है, अगर बेहतर नहीं होते तो हम इतनी बड़ी मार्जिन से फिर दोबारा इलेक्शन नहीं जीतते, क्योंकि लोगों ने वहां पर देखा है हमने काम किया है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में देखे गरीबों की हमने कितनी मदद की है, हमारे पास बाकायदे पीपल्स पार्टी ने आप ये देखें कि उन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वुमेन बैंक बनाया, उसके बाद वुमेन पुलिस को। चले 18वीं तरमीम पे बात करते हैं ना, 18वीं तरमीम के बाद तो आपके हाथ में आ गए थे तालीम के और सेहत के मामले, तालीम का निजाम कहाँ जा रहा है? तालीम पे तो बात करें ना कि कहाँ लाके खड़ा किया तालीमी निजाम को। 18वीं तरमीम के बाद हमने काफी बेहतर किए हैं, शहर बेहतर किए हैं, सक्कर को बेहतर किया है, लाड़काना को बेहतर किया है, आप जाकर खैरपुर को देखें। ये सिर्फ जो है हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है पूरी मीडिया के ऊपर और ये जितने हमारे किरदार का। तो आप पंजाब से कंपेयर कर रहे हैं सिंध का तालीमी निजाम? जी सर, आप पंजाब से कंपेयर कर रहे हैं फिर तालीमी निजाम सिंध का? हम तो ये कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह ताला कोशिश सर 11 साल से कोशिशें चल रही हैं कर रहे हैं कंपेयर तो हम 11 साल से कोशिशें चल रही हैं। पीटीआई का पहला साल है उसको तंकीद का निशाना बना रहे हैं आप? जी मैं ये कह रहा हूँ 11 साल से आपकी कोशिशें चल रही हैं तालीमी निजाम के हवाले से और पीटीआई का पहला ही साल है उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि कोई प्लान नहीं है। पीटीआई ने खुद कहा था कि 100 दिन में हम इतने इंकलाब लेकर आएंगे। सर आपकी जमात कह रही है कि पीटीआई के पास कोई प्लान नहीं है इस वक्त हुकूमत चलाने का? सब जेल में होंगे, पता नहीं क्या से क्या इन्होंने सब बाघ दिखाए थे, अब खुद ये यू टर्न लिया है, खुद कह रहे हैं कि यू टर्न लेना अच्छी बात है, बड़े लीडर यू टर्न लेते हैं। यार ये कोई तरीका है जिस तरह ये हुकूमत कर रहे हैं? अच्छा लिसानी सियासत पे बात करते हैं सर, लिसानी सियासत का क्या मामला है? एमक्यूएम पर बात आती है तो मुहाजिर कार्ड होता है, पीपल्स पार्टी पे बात आती है सिंधी कार्ड होता है, इसका खात्मा कब करेंगे? पाकिस्तान कायदे आजम के पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान को लेकर हम चल रहे थे, हमने एटम बम भी बनाया, हमने यूनिवर्सिटियां भी बनाई, हमने मोटरवेज भी बनाए, हमने सीपेक दिया, हमने मिसाइल प्रोग्राम दिया, हमने पाकिस्तान को आइन दिया, हमने 18वीं तरमीम के तहत जो सूबों को खुद मुख्तियारी दी हमने सर, सब दे दिया, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया था वो तो ना दिया ना सिंधी आवाम को। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आप देखे ना कितना अच्छा प्रोग्राम है, पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया है, जो हमने काम सही किए उसको तो आप देखें सर, जो काम सही किए उनको अप्रिशिएट तो कर रहे हैं ना, लेकिन जो काम आपको करने चाहिए थे हुकूमत में रहकर वो उस हवाले से नहीं किए गए, उस नौयत के नहीं किए गए, तभी तो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। देख लें आप उसकी पिशावर की भी देख लें, कराची की भी देख लें, हमने ओवरहेड पुल बनाए, अंडर पासेस बनाए, हमने यहाँ पर कराची को बेहतर किया है, पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है 18 अमेंडमेंट के बाद, इंशाल्लाह ताला और देखेंगे हम और उसमें बेहतरी लाएंगे।
अब भी जो है ये हमारा पूरे जितने भी शहर हैं। अच्छा, आपके आपके रहनुमाओं के केसेस अभी चल रहे हैं, अदालतों के चक्कर लग रहे हैं, तो क्या इसमें जो पीपल्स पार्टी की मसलियत है खामोशी या कोई हिकमत है? काम नहीं करने देगी या नैब काम करने नहीं देगी? 2008 में भी यही हमारे साथ सूरत हाल थी, तो जाहिर है हमें इफेक्ट पड़ेगा, हमें काम करने तो देना कम अज कम, ये तो कोई तरीका नहीं है। लिसानी सियासत पे तो बात करें ना, लिसानी सियासत जो कार्ड चलाया जाता है सिंधी जबान का, फिर उसके बाद जो है वो चीजें नहीं दी जाती जिसका नारा लगाया जाता है, जस्टिफाई तो करें ना इसको। सर हमने हम एक एक चीज जस्टिफाई करवा सकते हैं आपको। देखें बेनजीर यूनिवर्सिटी चांडका में देख लें, कायदे अवाम यूनिवर्सिटी देख लें, ये चीजें 11 सालों में काफी है। आप सखर में चले जाएं, सखर में चले जाएं, आप पूरे पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटी चले, ये चीजें जो आपने गिनवाई उंगलियों पे, ये 11 सालों में काफी है हुकूमत के लिए कि यही देना चाहिए। पता नहीं हजारों लाखों करोड़ों काम किए हमने, छोटी छोटी सतह पर लोगों को हॉस्पिटल बना के दिए, डिस्पेंसरीज बना के दिए, ब्रिज इलेक्ट्रिफिकेशन दिए, हमने तो काम किए, हमने इरिगेशन के निजाम में इतना अच्छा काम किया है। आपको पूरी मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को आप कंपेयर करें। अच्छा, पीटीआई कह रही है सर, पीटीआई कह रही है कि आपके हुक्मरानों का एहतसाब किया जाएगा, अभी अदालत में केसेस भी चल रहे हैं आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ और दीगर रहनुमाओं के भी खिलाफ। अगर हमने कोई गलत काम किया है तो हम एहतसाब कोई करे, कोई हमें कोई इतराज नहीं है। अगर हमने गलत काम किया, हमारा जो है हमारा जमीर साफ है, हमने लोगों की खिदमत की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है, उसकी क़यादत ने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं लोगों की खिदमत के लिए। बेनज़ीर भुट्टो, अच्छा सर एक बात बताएं, सदारती इलेक्शन में भी खामोशी रखी और अब जो है वो पंजाब असेंबली के मामलात है वहां पे भी खामोशी रखी, तो क्या ये समझा जाए कि किसी किस्म का मुकूका था? अगर हम अपोजिशन करते हैं तो आप कहते हैं कि इनको अभी 100 दिन भी नहीं हुए, आप इनसे नहीं। सर अपोजिशन करना आपका हक है, लेकिन वहाँ खामोशी रखी गई, कई सवाल जन्म लिए कि कई मुकदमा तो नहीं हुआ किसी किस्म का? करते हैं मौका देने की बात करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि आप इनको जो है वो क्यों इस तरह का? सर मौका दे रहे हैं तो आप ही तनकीद कर रहे हैं कि पीटीआई के पास कोई प्लान नहीं है? करेंगे, अपोजिशन में है, तनकीद 11 साल से तो आपको मौका दिया, और कितने मौके चाहिए आपको आप बता दें? नहीं हमने तो खिदमत की है। 4 हुकूमतें आपने विफाक में ली, 5 हुकूमतें आपने सिंध में ली, और कितना मौका चाहिए बता दे, दे देंगे उसको? खिदमत कर रहे हैं हमने तो खिदमत की, अब इनको मौका मिला ये खिदमत करके दिखाएं, आगे पता चलेगा। सर इनको भी वक्त कितना हुआ है, आप इनको कह रहे हैं प्लान नहीं है इनके पास किसी किस्म का? ये तो इन्होंने खुद कहा था ना, 100 दिन के अंदर हम इंकलाब लेकर आएंगे, पता नहीं क्या से क्या, इन्होंने तो कोई डायरेक्शन ही नहीं दी मुल्क को। आप ठीक है सर, उनका भी एहतसाब किया जाएगा, ये आवाम किसी को नहीं छोड़ेगी, ये आवाम लेगी सबसे एहतसाब। इन्होंने 100 दिन के वादे किए थे, 100 दिन का इनका एहतसाब किया जाएगा, आपका 11 साल का एहतसाब तो कर लेना फिर, हम ज्यादा टाइम है। ये हमारा एहतसाब तो आवाम ने ले लिया, हमने अगर वहाँ पर खिदमत की है तो हमें वोट दिया है लोगों ने, नहीं की होती तो हमारा हमने तो एहतसाब ले लिया था 2007 की हुकूमत के बाद, अगली हुकूमत पे तो वही ले लिया था हिसाब। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं ना अगर जो काम नहीं करेगा सही डायरेक्शन में नहीं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद थे पीपल्स पार्टी की जानिब से मुंतखब MPA डॉक्टर सराब सुर्खी, वो हमें यही बता रहे थे कि मामलात जो है वो एहतसाब किया जा रहा है हमारा, और PTI को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं, PTI को कहते हैं कि कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई प्लान नहीं है इनके पास, जबकि इनकी हुकूमत ने 11 साल में क्या किया, एक दो चीज़ें उंगलियों पे गिनवा कर चले गए, और ये कह रहे थे शायद 11 साल में इनके लिए ये चीज़ें काफ़ी हैं, लेकिन जितना पैसा इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है कि लगाया गया सिंध पर वो नज़र कहीं नहीं आ रहा। थर की सूरत हाल पर बात की तो वो थर पे RO प्लांट्स के सवाल को गोल कर गए, वो नैब के मामला बीच में ले आए, जबकि लाड़काना की बात की तो उस पर तो जवाब ही नहीं दिया। अब मामला यहां पर ये है कि पीपल्स पार्टी जस्टिफाई करे 11 सालों की हुकूमत, 5 दफा सिंध में हुकूमत की, 4 दफा वफाक में हुकूमत की, क्या मामला थे, सिंध को क्यों नहीं तब्दील किया गया, और अब PTI को क्यों तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जिनकी अभी हुकूमत जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए उनकी हुकूमत को, और उनको कह रहे हैं कि आपके पास कोई प्लान नहीं है। प्लान तो आपके पास था, तो फिर 11 सालों में क्या प्लानिंग की गई, क्यों मामला तब्दील नहीं किए गए, इन तमाम चीज़ों पर उनसे बात की, और शायद आपने उनका मौका भी सुना, और फैसला अब आपके हाथ में है कि PTI वाकई जो है इस वक्त काम कर रही है हुकूमत में या नहीं कर रही, या फिर पीपल्स पार्टी ने ही जो काम किए जो उन्होंने गिनवाए वाकई वो काफ़ी थे। तो ये इन तमाम स्टोरीज को आज हमने कवर किया, आप प्रोग्राम में जो है वो फीडबैक भी दे सकते हैं प्रोग्राम के ऊपर अपना, और कल फिर शामिल करेंगे फॉलो अप इन स्टोरीज का, और दीगर जो टॉप स्टोरीज होंगी उनको भी मलूज़े खातिर रखा जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।